नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। रीवा जिले में स्थानीय चुनावों ने नए नेतृत्व को लाया। हाल के स्थानीय चुनावों में रीवा में नए चेहरे कुंजी प्रशासनिक भूमिकाओं का संचालन कर रहे हैं। परिणाम क्षेत्र में बदलती राजनीतिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। सतना में किसानों के अधिकार के लिए रैली। किसानों और कृषि सक्रियवादियों ने सतना में एक रैली के आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य और सरकार से बेहतर समर्थन की मांग की। इस घटना ने क्षेत्र में चल रही कृषि से संबंधित चिंताओं को उजागर किया। शहडोल में महत्वपूर्ण ड्रग बस्ट कई गिरफ्तार। कानूनी अधिकारियों ने शहडोल में एक महत्वपूर्ण ड्रग तस्करी रिंग को सफलतापूर्वक बस्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई अवैध व्यापारियों की गिरफ्तारी हुई। यह आपराधिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत है। सीधी में एक उच्च प्रोफाइल डकैती ने लोकप्रिय व्यवसाय की स्थापना से मूल्यवान वस्त्रों की चोरी की, जिसने प्रमुख व्यवसायिक स्थान की गहराई में छापा मारा। इसके परिणाम स्वरूप गहराई से जांच की जा रही है। प्रयागराज में स्टार्टअप इंक्यूबेटर का उद्घाटन। प्रयागराज में एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्देश्य उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। ये पहल आसपास के उद्यमियों को संसाधनों और मेंटरशिप प्रदान करके उनके उद्यमों को प्रारंभ करने में मदद करने का उद्देश्य रखता है। रीवा सोलर पार्क का विस्तार ने नवीन ऊर्जा को बढ़ावा दिया। रीवा सोलर पार्क का विस्तार क्षेत्र की नवीन ऊर्जा क्षमता को काफी बढ़ा दिया है। परियोजना क्षेत्र के सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के प्रति प्रदर्शित करती है। महिला सशक्तिकरण पहल के लिए चित्रकूट जिला को सम्मानित किया गया। चित्रकूट जिला को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनके उदाहरणीय प्रयासों के लिए पहचान प्राप्त हुई। इन पहलों में कौशल विकास कार्यक्रम और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सतना नगर निगम ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू किया। सतना एक स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी निर्देशित परियोजनाओं को लागू कर रहा है। ये परियोजनाएं शहरी बुनियादी ढांचा, कचरा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती हैं। रीवा में साइबर अपराध जागरूकता अभियान। रीवा में कानूनी अधिकारियों ने एक साइबर अपराध जागरूक अभियान आयोजित किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन खतरों और सुरक्षा प्राप्त करने के उपायों के बारे में शिक्षित करना है। ये पहल ऑनलाइन धोखाधड़ी से आदमी को सुरक्षित रखने और डिजिटल धोखाधड़ी से व्यक्तियों की सुरक्षा करने का उद्देश्य रखता है। शहडोल में औद्योगिक प्रदर्शनी ने आर्थिक संभावनाओं को प्रमोट किया। शहडोल में आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनी ने स्थानीय उद्यमिता को समर्थन प्रदान करते हुए नए व्यवसायिक अवसरों की प्रमोटिंग की। यह प्रदर्शनी स्थानीय व्यवसायिक क्षमताओं की मांगों और आवश्यकताओं को समझने में मदद करती है और व्यापारिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।